बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं ढाई ढाई मरले के दो प्लाट लेकर जो कि सेम एक से बने हैं। ये देखें, यानी कि ये दोनों प्लाट जोन से है ना, ये 30 फुट चौड़ाई है और 45 फुट इसकी लंबाई है। अब हम आपको इसका अंदर का विज़िट कराते हैं। अंदर दाखिल होते ये एक गेट आता खुलता है, गेट के बाद ये एक वाशरूम है सीट वाला। ये देखें, ये है ढाई मरले का, इसकी है चौड़ाई 15 फुट और लंबाई 45 फुट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गया अंदर इंटर होते ही। ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत किचन बनाया है। यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के लिए बेसन लगाया जाएगा और ये कबर्ड बनाया है और ये यहाँ पर रखा जाएगा चूल्हा। वो चूल्हे के भाप के लिए ये देखें ये बनाया गया है, सीधा यहाँ से बाहर। और ये कबर्ड देखें माशाल्लाह कितने प्यारे बनाए हैं। ये देखें, आप कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं, ये ऐसे खुलते हैं देखें। और किचन के बिल्कुल सामने एक छोटी सी राह आ रही है, उसके बाद एक कमरा शुरू हो जाता है। ये कमरा ही देखें, अभी ये तैयारी चल रही है। ढाई मरले का मकान है, 15 फुट चौड़ाई है और 45 फुट इसकी लंबाई है। और ये डग है देखें, ये वो ऊपर तक गया हुआ डग, ये देखें ये डग खुला हुआ है। और ये वाशरूम आ गया है, ये वाशरूम है। अब चलते हैं ऊपर की जानिब। और एक कमरा ये है, यहाँ पे सामान रखे इसलिए बंद किया हुआ है। और ये ऊपर चले जाते हैं। अब ये ऊपर पौड़ियाँ जा रही हैं, पत्थर लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है हर जगह। ऊपर जाते ही ये सामने एक कमरा आ जाता है, ये डग है रोशनी आने के लिए, हवा आने के लिए, ठीक है। और ये एक वॉशरूम अटैच बाथरूम है, एक अटैच बाथरूम ही है। इसके ही सामने किचन आ जाता है, ये देखें। ये किचन आ गया और किचन के सामने नीचे ये यहाँ पे रोशनदान है और एक ऊपर ये रोशनदान है और सामने एक कमरा। कमरे के साथ ही अटैच बाथरूम है, ये देखें ये अटैच बाथरूम हो गया। और ये बालकनी विंडो लगाई गई है यहाँ पे। और ये कपड़ों की अलमारी, और इसके साथ ही पौड़ियाँ जाती हैं ऊपर को। और इधर छोटी सी गैलरी बनाई है सामान वगैरह रखने के लिए। और ये ऊपर छत, ये जी छत आ गई है। और ये नीचे से यहाँ से रोशनी है। और ये छत है जी इसकी, ऊपर पानी की टैंकी है। और ये डग है जी, ये डग नीचे जा रहा है।